हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सीएसएस के बॉक्स मॉडल के बारे में बताऊंगा। बॉक्स मॉडल क्या होता है? यदि हम सीएसएस के द्वारा बेहतर वेब पेज डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए सीएसएस बॉक्स मॉडल को समझ लेना आवश्यक है। सीएसएस बॉक्स मॉडल के अनुसार हर एचटीएमएल एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स उस एलिमेंट के कंटेंट, पेडिंग, बॉर्डर और मार्जिन से बने होते हैं। इसे सीएसएस में बॉक्स मॉडल के नाम से जाना जाता है। सीएसएस बॉक्स मॉडल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला, कंटेंट। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट हमेशा शो होता है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ हाइड होती है। कंटेंट क्या होगा ये सीएसएस द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये एचटीएमएल एलिमेंट्स के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है। ये सीएसएस बॉक्स मॉडल का अहम हिस्सा होता है। इसे हम कॉमन सीएसएस प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर, बैकग्राउंड और फॉन्ट आदि से डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पैडिंग। कंटेंट के चारों तरफ कितना स्पेस रहेगा ये पैडिंग द्वारा डिफाइन किया जाता है। पैडिंग डिफाइन करने के लिए सीएसएस में पैडिंग प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। हम चाहें तो सभी साइड्स के लिए पैडिंग एक साथ डिफाइन कर सकते हैं या फिर अलग अलग साइड के लिए अलग अलग पैडिंग्स भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डर। कंटेंट और पैडिंग के चारों तरफ एलिमेंट की बॉर्डर होती है। जब तक हम बॉर्डर डिफाइन नहीं करते बॉर्डर हाइड रहता है। बॉर्डर डिफाइन करने के लिए सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, मार्जिन। किसी भी एलिमेंट का मार्जिन बॉर्डर के चारों तरफ स्पेस के रूप में डिफाइन किया जाता है। पैडिंग की ही तरह मार्जिन का भी कोई कलर नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। मार्जिन डिफाइन करने के लिए सीएसएस में मार्जिन प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि सीएसएस बॉक्स मॉडल होता क्या है। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ लिया है, अब मैं इसे थोड़ा डिज़ाइन करता हूँ। पी, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, विड्थ 250 पिक्सल, बॉर्डर 20 पिक्सल, सॉलिड और रेड। पैडिंग, मैं पैडिंग यहाँ पे 20 पिक्सल लिखता हूँ, मार्जिन 60 पिक्सल। फ्रेंड्स, अब मैं इसे सेव करके ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। हमारी ये फाइल सीएसएस वीडियो ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर है, index.html। हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। मैं इसके टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन, जस्टिफाई, सेव और रिफ्रेश। जैसे कि मैंने आपको पैडिंग की डेफिनेशन में बताया था कि कंटेंट के चारों तरफ कितना स्पेस रहेगा इसे हम पैडिंग से डिफाइन करते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच चारों तरफ 20 पिक्सल का गैप है। हम इसे कम या ज़्यादा यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसे 30 पिक्सल करता हूँ, सेव और रिफ्रेश, फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गया है। ऐसे ही हम इसे जितना भी यहाँ डिफाइन करते हैं उतना ही स्पेस वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। मैं यहाँ 15 पिक्सल लिखता हूँ, सेव और रिफ्रेश। उसके बाद हमारा ये बॉर्डर है, मैंने यहाँ बॉर्डर की विड्थ 20 पिक्सल ली है और इसका कलर रेड लिया है। फ्रेंड्स, हम बॉर्डर की विड्थ को भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 25 लिखता हूँ, इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, हम देख सकते हैं हमारे बॉर्डर की विड्थ बढ़ गई है। मैं इसे यहाँ पे 10 पिक्सल लिख देता हूँ, 10 पिक्सल, सेव और रिफ्रेश। बॉर्डर के चारों तरफ एलिमेंट का मार्जिन होता है। मार्जिन एक एलिमेंट से लेकर दूसरे एलिमेंट के बीच का स्पेस होता है। इससे एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए मदद मिलती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे मार्जिन लिखा है 60 पिक्सल, हम यहाँ देख सकते हैं हमारा ये बॉक्स लेफ्ट साइड से 60 पिक्सल पे है और टॉप से भी 60 पिक्सल पे है। अगर हम इसे यहाँ 100 पिक्सल लिखते हैं, इसे सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, हम देख सकते हैं हमारा बॉक्स टॉप और लेफ्ट से 100 पिक्सल की डिस्टेंस पे सेट हो गया है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, ये था हमारा टेक्स्ट मॉडल के बारे में। हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रिसेंटली अपडेट मिलता रहे।